सिर से टोपी उड़ रही है। माधव कैसा लग रहा है? और ये टोपी उड़ रही, टोपी नहीं पहनना है क्या? टोपी नहीं पहनना इनको, सर में धूप लेनी है। और ये है लड्डू, आपको भी नहीं पहननी है। बांसुड़ी भी ले आए, ऐसे रखो, बांसुड़ी भी ले लो, लड्डू का दे दो बांसुड़ी। लड्डू की छोटी सी बांसुड़ी ये रही। खिलौने ना रखो, फिर लेके जाना है अंदर ना, भी भूख का टाइम हो गया। तो धूप चपलो, लड्डू लड्डू लड्डू, ठंडे ठंडे हाथ है लड्डू के। ये खेल उल्टा खेलो, खिलौने भी ले आया बाबू, खिलौने भी ले आए सारे, खेलते रहो अपने अपने खिलौने से। और टोपी यहाँ पर रहेगी, ठीक है? अभी धूप सेक लो, हम लोग तो पढ़ाई कर ले। तुम पढ़ाई करोगे ना? इनको भी बुक दे तो पढ़ते रहे जब तक। बुक पढ़ेंगे, छोटी बुक है, छोटी बुक पढ़ेंगे, छोटी बुक। चल जाने दो, खिलौने से खेलने दो, अभी पढ़ेंगे। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सरविका सिंह ब्लॉग में। तो अभी मैं धूप में ही बैठी हूँ, क्योंकि सुबह से जो ब्लॉग चल रहा था वो मैंने एंड कर दिया और फिर से नया ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं दिखाने के लिए, तो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अभी मैं धूप में बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि शौरी को बैठे बैठे इसका होमवर्क करा लूँ, क्योंकि रात के टाइम होमवर्क कराने में बहुत ही दिक्कत होती है। किसी ना किसी का फ़ोन भी आ जाता है, शाम को खाना भी बनाना होता है, शाम को हस्बैंड जी भी घर पे आ जाते हैं, फिर उनको भी टाइम देना होता है, थोड़ा देर बैठो फिर उनके पास, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है, ये फिर मौका देख के भाग लेता है, फिर इसका होमवर्क रह जाता है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि दोपहर में आज इसका होमवर्क कंप्लीट करा ले, जब तक चावल बन रहा है भगवान को भोग लगाएंगे, फिर इसके बाद कहीं जाके आधा घंटा सोएंगे, नहीं आराम करेंगे, सोने वाला दिन ही नहीं रह गया है, आधे आधे घंटे आराम कर लेंगे। तो इसको पढ़ा ले, क्या हो रहा है होमवर्क करो पहले, शार्प करके तुम पेंसिल खा जाते हो। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, रुपीज 75 एंड पैसे 30, कैसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में? शॉर्ट 75 लिखो, 75 रुपीज, ऐसे नहीं होगा, कैसे देखो कैसे होगा। फ्रेंड्स तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:10 और मैं अभी सो के उठी हूँ, 5:30 6:15 उठ गई थी, और उठने के बाद से भगवान को दिया जलाया, भगवान को दूध दिया, भूख लगाया, और इसके बाद अपने लिए चाय बनाई हूँ, चाय पी रही हूँ। रूम हीटर इधर जल रहा है क्योंकि बहुत ठंड बढ़ गई है, शाम और सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो बंशी का सो रही है, उठा रहे अभी उठ नहीं रही है, शौर्य टी वी देख रहा है। तो अभी थोड़ी देर चाय पियेंगे, फिर सोचेंगे खाना क्या बनाना है, क्योंकि औरतों को बताइए यही सोचना है पूरा जीवन कि सुबह बन गया तो शाम को क्या बनाना है, शाम को बन गया तो सुबह क्या बनाना है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ तो बहुत ही माथा पच्चीसी होती है, सुबह के टाइम सोचते सोचते बना लो, फिर शाम होती है अब क्या बनाए, बस यही लगा रहता है कि अब क्या बनाए, इस टाइम पर अब क्या बनाए। तो अभी बहुत ही दिमाग खपाना है कि क्या बनाया जाए इस टाइम पे। एक्चुअली ये सर्दी का मौसम है तो खाना भी उसी तरह का बनना है जो सर्दी में अच्छा लगे खाने में। तो कल तो शाम को आलू के पराठे बना दिए थे, सब लोग गर्मा गर्म खाए, काफ़ी पसंद से खाए, बच्चों के लिए पनीर के पराठे बना दिए थे क्योंकि थोड़ा सा उस दिन का पनीर रखा हुआ था, तो उसी को घिस के मैंने बना दिया और हम दोनों ने आलू के पराठे खाए। तो आज फिर से दिमाग लगाना है कि आज ऐसा क्या बनाए जो सर्दियों में खाने में अच्छा भी लगे और सब लोग पसंद से खा भी ले। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पीते पीते सोचती हूँ कि क्या बनाया जाए। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ही लेट आज सब लोग खाना खाए हैं, मेरे ख्याल से 4 बजे खाना खाए हैं सब लोग। तो दिन में आज प्रॉपर खाना बना दिया था, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बना दिया था, नहीं तो अगर दिन में चावल नहीं बनाए होते हैं तो रात को चावल दाल बना देते हैं, सब्जी बना देते हैं। अब दिन में चावल बन गया तो देखते हैं, क्योंकि वही सेम सब्जी रखी हुई है, मतलब कच्ची आलू गोभी, तो बनाऊँगी तो फिर से वही सब्जी रहेगी, तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाए ऐसा। तो देखते हैं, आलू पराठे तो कल बना ही दिए थे, पूछते हैं हस्बैंड जी को फ़ोन लगा के, वही कुछ आइडिया देते हैं क्या बनाओ, तो उसी हिसाब से बनाएंगे फिर।
हेलो फ्रेंड्स, तो शाम के बज रहे हैं कितना, साढ़े सात। हाँ, साढ़े सात पौने आठ हो रहा है और खाना आज बन रहा है यहाँ पे। अंडा करी बना रहे हैं, ये मैंने अंडे तल लिए हैं और सेल फ्राई कर दिया है। और ये देखिए बच्चे लोग एक्साइटेड हैं, ये लोग आमलेट खाना है, तो अभी मैं इसका ग्रेवी बना लूँ फिर आमलेट बनाऊंगी। यहाँ पे ये वाले तवे पे नॉन स्टिक वाला तवा है, वहाँ पे मैंने अंडे रखे हैं, देखिए कच्चे अंडे हैं। तो ये लोग आमलेट खाएंगे, हम लोग ग्रेवी वाला खाएंगे। क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद देखते हैं, बनाते हैं। किट्टू क्या खाओगे? आमलेट, आमलेट फैन है, हम लोग अंडा ग्रेवी वाला खाएंगे। रोटी बन चुकी है, चावल बनाएगी किट्टू, तो ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए ये मैंने ग्रेवी तैयार कर दी है, अब एग को डालूंगी, देखते हैं कब तक ये बॉयल हो जाएगा, फिर उसके बाद से मैं डालूंगी एग इसमें। तो सो रहा है, देखिए फ्रेंड्स कंबल ओढ़ के देख रहे हैं, भूत की मूवी देख रहा है, काली करिश्मा का पता नहीं क्या मूवी का नाम है। और ये आ गए टोपा टोपी लगा के, बाहर सर्दी है ना बहुत, अभी पक गया होगा। तो मैं देखिए मटर डाल के बनाई हूँ, मटर डाल के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से मटर एग और धनिया पत्ता नहीं है तो वो भी डाल देती। तो अब थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। चावल रखूँगी थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं तो मैं वही वेट कर रही थी कि आएंगे तो गर्म गर्म रखूँगी, क्योंकि ठंडा चावल आजकल खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो एक करी, अंडा और रोटी बच्चे खा चुके हैं, बच्चे आमलेट ही खाए हैं, सॉरी शायद थोड़ा सा खाएगा एक करी के साथ में, रोटी या चावल जो इसकी इच्छा होगी। तो ये था आज का ब्लॉग, दोपहर चल रहा है इसलिए एंड करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इसलिए छोटे छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ, 10-10 मिनट का, 8 मिनट का ऐसे डालती हूँ। तो आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए, ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।